छोटे छोटे टुकड़े करके मेरा पूरा चेक फाड़ दिया बूजी ने। अच्छा तुम्हारे अब्बू ने तो सिर्फ चेक फाड़ा है, मेरा तो दिल ये चाह रहा था जो हरकत तुमने की है ना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। अच्छा तुम्हारे ना मुझे मारे, मुझे जितना मारना मुझे मारे, क्योंकि आप लोगों को इसके अलावा आते ही क्या है। चुप कर जाओ रमजा, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। अगर एक और लफ्ज तुमने कहा ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी तुम याद रखोगी। बड़ी अम्मी आप प्लीज अंदर चली जाए, जब तक आप खड़ी रहेंगे आप इस पर गुस्से ही करती रहेंगी। अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं एनी में? तुमने देखा नहीं इसने हरकत क्या की है? इसकी इन हरकतों की वजह से ना इसके अब्बू ने जितनी बातें मुझे सुनाई है ना बस मैं ही जानती हूँ। हम लोग समझते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ने जा रही है, अरे हमें तो इल्म नहीं है कि ये क्या क्या कुल खिलाते फिर रही है। सोच लिया मैंने, पहले सोच लिया, वो जो रिश्ते वाली खाला है ना वो जो इसका पहला रिश्ता लेकर आएंगी ना बस मैं उस पर आमीन पढ़ दूंगी और इसे दफा करूंगी इस घर से। अरे कौन इसकी निगरानी करता रहेगा यहाँ बैठ कर, बहुत हो गई। समझा रही थी नरमशा कितना, तुम समझती नहीं हो कि सर। चुप करो तुम, ये सब कुछ तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। अगर अपनी जबान को बंद रखता है ना वो तो सबके सामने जिल्लत नहीं उठानी पड़ती मुझे इस तरह से। रमशा तुम समझने की कोशिश करो, ये अगर भाई नहीं दिखाते ना तो ये किसी और तरह पता चल जाता। अच्छा सोचो अगर मैगजीन घर में आ जाता फिर। अच्छा कैसे आता अगर मैगजीन? हाँ इस घर में कभी अखबार तक तो आया नहीं है, मैगजीन आएगा। और क्या मैगजीन आके घर के दरवाजे पे नॉक करता कि खोलो दरवाजा मैं मैगजीन हूँ मेरे अंदर रमशा की तस्वीरें, ऐसे आता? स्टूपिड, जाओ यहाँ से, सारे के सारे पागल मिले मुझे इस घर में। ये देखिए पूरे 3 लाख रुपए का चेक दिया मुझे सिर्फ एक छोटे से फोटोशूट के लिए। देखें सिर्फ छोटे से फोटोशूट का इतना बड़ा चेक, ये देखें। बहुत ही कोई बेशरम इंसान हो ऐसे, इतनी सी बेशरम नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। एक काम करो ना, इसी चाय में डूब के मर क्यों नहीं जाते तुम? किस शर्म की बात कर रही हो तुम? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो घर की इज्जत को खाक में मिला रही थी। मैं जो करी थी ना वो मेरा जाती मामला था, समझे तुम? तुम क्यों इतना भड़क रहे थे? और तुमसे मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी ना कि प्लीज किसी को कुछ मत बताना, लेकिन तुमने किया वही जो तुम कर सकते थे क्योंकि तुम एक बहुत बड़े कमीने इंसान हो। इसीलिए हमें बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारी तरह झूठा नहीं। झूठे तो तुम हो और बहुत बड़े झूठे हो। झूठ ही कहा था ना तुमने मुझसे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे पसंद करते हो। एक बात कान खोल के सुन लो, मोहब्बत करने वाले ऐप पर पर्दा डालते हैं, यूं सरेआम इज्जत नहीं उछालते। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। ये देखो अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, अभी भी झूठ बोल। तुमने जो कुछ किया ना अपने मफाद के लिए किया। तुम्हारी वो मोहब्बत भी खुद गर्ज थी और तुम्हारी ये नफरत भी खुद गर्ज है। तुम जो करते हो सिर्फ अपने लिए करते हो। बहुत मजा आया ना तुम्हें अपनी वाह वाह करवा के और मुझे सबके सामने जलील करवा के। मैंने तुम्हें जलील करवाया? अपना दिमाग ठीक कराओ, जो कुछ भी किया ना तुमने अपने साथ खुद किया है, इस चीज को समझो तुम। और तुम्हें तो शर्म नहीं आती कम से कम हमारा ही ख्याल कर लेती। मेरा दोस्त क्या क्या बकवास कर रहा था तुम्हारे बारे में, मैं तो से नजर ही नहीं मिला पा रहा। ओ भाई सबकी इज्जत का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ समझे? और तुम क्या गैरतमंदी की बात कर रहे हो? हाँ इतने गैरतमंद होते ना तो मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, अपने दोस्त का मुंह नोच लेते अभी तक जाके। गैरत तुम्हारी बहुत याद आ रही है,
काम में भी दिल नहीं लग रहा, प्लीज अली से वापस आ जाओ। झूठ, अगर ऐसा होता तो तुम इतने दिनों के लिए जाते ही नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना सूना सा लगता है, इतनी खामोशी उदासी। रमशा बेटा, जल्दी से नाश्ता खत्म करो, तुम्हारे अबू तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ेंगे और वही तुम्हें लेकर आएंगे। क्यों, मैं और एनी साथ जाते हैं ना, तो फिर अबू जी के साथ क्यों जाऊंगी मैं? एनी की फिक्र करना छोड़ दो, तुम शानी है, वही लेके जाएगा और वही उसे वापस लेकर आएगा। हाँ तो ठीक है, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी, लेकिन अबू जी के साथ नहीं जाऊंगी, वैसे ही नाराज है, पूरे रास्ते बातें सुनाते हुए जाएंगे। अब ये बात ना तुम अपने अब्बू से खुद कर लेना कि तुम्हें उनके साथ जाना है या नहीं जाना। जल्दी खत्म करो, इंतजार कर रहे हैं वो। कर लूंगी बात, आप एक तो डरा के रखती हैं हर वक्त। चलो भाई, क्या हुआ, देर हो रही है, आ जाओ जल्दी से। जी जल्दी आओ, दुकान जाना है मुझे। क्या है भाई, चुप गुस्सा करें। तुम परेशान मत हो, मेरी ना अभी शामी से बात हुई, वो कह रहा था कि तुम्हारा दूसरा चेक बन जाएगा लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। डोंट वरी। अच्छा मुझे जरा क्लास के लिए लेट हो रहा है, मैं तो तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो ओके, बाय। रमशा पहले तो तुम इस लड़की से दोस्ती खत्म करो, ये तुम्हारा दिमाग खराब करती है, फिर तुम हमारा दिमाग खराब करती हो। मैंने तुम्हें कभी कहा है कि इससे दोस्ती खत्म करो, उससे दोस्ती खत्म करो? नहीं ना यानी, कम से कम तुम तो मेरे साथ ये सब ना करो ना। यार ये तुम्हारा मसला है, तुम्हें जब भी समझाने बैठती हो तुम नाराज हो जाती हो। बस कर दो यानी, ऐसे मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बात ना ही करो तो अच्छा होगा। पूरे रास्ते अब मुझे इतनी बातें सुनाते हुए ना तुम्हारी सोच हो। शुक्र करो बड़े अबू ने सिर्फ बातें सुनाई है, तुम यूनिवर्सिटी से आना जाना बंद नहीं किया ताकि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तुम्हें पता है अगर मेरे अब्बू होते ना, सच बता रही हूँ रमशा, एक तो मुझे जान से मार देते पहली बार और मेरा आना जाना भी बंद कर देते। ये बड़े अब्बू की मोहब्बत है जो तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज? सीरियसली ऐसे नजरअंदाज किया जाता है? 100 ताने सुनाए, 100 बातें सुनाई है, आने जाने से रोक टोक दी है, ऐसे नजरअंदाज नहीं किया जाता है। तुम बड़े अब्बू की फीलिंग्स को समझ सकती। तुम यहाँ से चली जाओ ना, इस वक्त वही बेहतर होगा, दिमाग मेरा बहुत खराब हो रहा है वैसे ही। अच्छा ना नाराज तो मत हो,